दोस्तों, भगवान राम के अलावा ऐसे तीन शक्तिशाली वानर थे जो रावण को आसानी से मारने का सामर्थ्य रखते थे। नंबर तीन, बाली। बाली को ऐसा वरदान प्राप्त था कि वह जिससे भी युद्ध करेगा उसकी आधी शक्तियाँ अपने आप ही उसके अंदर समा जाएगी, और बाली के पास ऐसी शक्तियाँ थी कि उससे वह आसानी से रावण को टपका सकता था। नंबर दो, जामवन। जामवन जी ब्रह्मा जी के पुत्र थे और वह मुख्य चिरंजीवियों में से एक है। भगवान विष्णु के बाद सृष्टि पर उनका ही जन्म हुआ था। उन्होंने ही हनुमान जी को उनकी शक्तियाँ याद दिलाई थी। जामवन जी इतने शक्तिशाली थे कि उन्होंने 27 दिन तक श्री कृष्ण के साथ युद्ध किया था। जो श्री कृष्ण के साथ इतने समय तक युद्ध कर सकता है वो रावण को आसानी से मार सकता है। नंबर एक, हनुमान जी। हनुमान जी की शक्तियाँ ही अपरंपार है। हनुमान जी तो भगवान शिव के अंश है। माता सीता ने उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान दिया था और ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से उन पर कोई भी अस्त्र प्रभाव नहीं कर सकता था। हनुमान जी चाहते तो वह रावण को मृत्यु दंड दे सकते थे, लेकिन भगवान श्री राम का आदेश नहीं होने के कारण उन्होंने ऐसा नहीं किया। देखते हैं कि आज कितने लोग हनुमान जी के लिए कमेंट में जय बजरंगबली लिखते हैं।